हेलो गाइस, कैरियर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश राणा और मैं आज इस वीडियो में बात करिए झारखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के बारे में। दोस्तों, इससे पहले जो भी कैरियर फाउंडेशन को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे द्वारा बनाए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप कैरियर फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और जो भी जेपीएससी का ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो कैरियर फाउंडेशन का ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं और देखते हैं आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो झारखंड के गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने हाल ही में किसे राज्यपाल के नए OSD बनाया है? ठीक है, OSD ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाया है। तो किसे बनाया है? राज्यपाल का ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी मनोज रतन को बनाया गया है। किसको? मनोज रतन को। क्या बनाया गया है? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी OSD बनाया गया है। ठीक है, यह किसने बनाया है? तो गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने बनाया है, जानकारी प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये देखें आंसर ये है। तो बोल रहे हैं कि 2010 बैच के IPS अधिकारी हैं कौन? मनोज रतन, जो जिन्हें राज्यपाल का OSD ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाया गया है, और ये है मनोज रतन। ठीक है दोस्तों, ये है मनोज रतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड से राज्यसभा सांसद रहे परिमल नथवानी हाल ही में किस राज्य के राज्यसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं? तो हाल ही में राज्यसभा सांसद रहे झारखंड के राज्यसभा सांसद रहे परिमल नथवानी आंध्र प्रदेश सीट से निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश सीट से निर्वाचित हुए हैं। कौन? परिमल नथवानी। दोस्तों, परिमल नथवानी झारखंड से 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। उन्हें पहली बार 2008 में 2008 में वो पहली बार निर्वाचित हुए थे। ठीक है, 2008 में झारखंड राज्यसभा सांसद बने थे 2008 में। पर ठीक है, वो जो और लगातार 2 बार रहे हैं, और उनका 2020 में इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, जिन्हें आंध्र प्रदेश से फिर से ये राज्यसभा सांसद के रूप में चुने गए हैं। ये जो नाथवानी है रिलायंस इंडस्ट्री ग्रुप के प्रेसिडेंट है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप के प्रेसिडेंट है। कौन? परिमल नथवानी, और ये है आपका परिमल नथवानी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फेज 3 के तहत झारखंड के किन आकांक्षी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फेज 3 के तहत एक खूंटी और गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज की खोलने की स्वीकृति दे दी है। 2 ठो मेडिकल खुलेगा, मेडिकल कॉलेज खुलेगा, एक खूंटी और एक गिरिडीह में। दोस्तों, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2 के तहत भी झारखंड में 3 मेडिकल कॉलेज खुल चुका है, एक हजारीबाग में, एक कोडरमा और एक पलामू में। ठीक है दोस्तों, और उसी के तहत अब 2 और मेडिकल खोलने की योजना बनाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं और पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख देते हैं। राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 2 आकांक्षी जिले खूंटी और गिरिडीह का चयन किया है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण के लिए इसमें जो है केंद्र सरकार 60% और 40% राज्य सरकार का हिस्सा रहेगा। देश में कुल आकांक्षी जिले कितना है? 115, जिसमें झारखंड के 19 जिले शामिल हैं। ठीक है, 19 आकांक्षी जिलों में, 115 आकांक्षी जिलों में झारखंड का 19 आकांक्षी जिले शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आज का एक 4th नंबर क्वेश्चन। हाल ही में झारखंड सरकार ने निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा है? तो झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी, झारखंड ट्राइबल यूनिवर्सिटी, यहाँ सॉरी दोस्तों गलत लिखा गया है, यहाँ होगा ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो दोनों, झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी और ट्राइबल यूनिवर्सिटी, दोनों को बनाने की योजना है। ठीक है, दोनों यूनिवर्सिटी स्थापित करने की योजना है। इस प्रकार झारखंड में अब टोटल यूनिवर्सिटी की संख्या पहले से 10 थी, अब 2 बढ़ गया है, तो 12, और 2 कॉलेज, जो एक कॉलेज है रांची विमेंस कॉलेज और एक है घाटशिला कॉलेज, घाटशिला, ये 2 कॉलेज हैं जिन्हें इन विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने की बात चल रही है। तो इस प्रकार अगर अपग्रेड हो जाती है और ये 2 यूनिवर्सिटी बन जाते हैं तो अब 14 यूनिवर्सिटी हो जाएंगे जो राज्य सरकार के अंदर में कार्य करती है। वैसे यूनिवर्सिटी तो और हैं, पर राज्य सरकार के यूनिवर्सिटी में जो कार्य करते हैं उनको, उनकी संख्या अब 14 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन है, झारखंड में ट्राइबल यूनिवर्सिटी के साथ साथ झारखंड में ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव है। झारखंड सरकार के उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाले उच्च शिक्षा विभाग की अब स्वीकृति पूरी कर ली है, अपनी जो प्रक्रिया है पूरी कर ली है मतलब, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से झारखंड के किन दो राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है, ठीक है। किन दो राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो एक है परिमल नथवानी और दूसरा है कौन, परिमल नथवानी और दूसरा है प्रेमचंद गुप्ता का कार्यकाल अब समाप्त हो गया है। प्रेमचंद गुप्ता जो राजद से थे और परिमल नथवानी जो थे पहले किस पे थे, निर्दलीय थे, ठीक है। तो इनका इन दोनों का कार्यकाल समाप्त हो गया है और इन दोनों के कार्यकाल के बदले में मतलब इन दोनों के बदले एक अभी फिलहाल जीते हैं कौन, तो शिबू सोरेन और एक दीपक प्रकाश, इन दोनों के जगह पे स्थान लिए हैं, ठीक है। तो ये है इस वीडियो का अंत दोस्तों, यहाँ तो दोस्तों थोड़ी सी 1 मिनट, ये है परिमल नथवानी और ये है प्रेमचंद गुप्ता, ठीक है। ये है प्रेमचंद गुप्ता, इन दोनों का कार्यकाल जो है अब समाप्त हो चुका है और शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश का कार्यकाल अब 2020 से प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यहाँ आपको कुछ जानने के लिए मिला होगा, सो धन्यवाद।